दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबका ये सुन गए। अच्छा, आज की वीडियो हम लोग क्या करने लगे हैं, आपको याद होगा कि हमारा जो मास्टर के जी उसके अंदर एक और केस के अंदर मैंने जो है वजीर तोते अपने डाले थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि उन्होंने अभी तक कोई ब्रीथ की है या नहीं की। अगर नहीं की तो हो सकता है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो या हो सकता है करने वाले हों, तो मैं काफ़ी टेंशन की देखा नहीं। तो देखते हैं उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस क्या चल रही है। बाकी इसके अलावा अभी जो है मोरों को और गिनी फॉल को भी खाना डालना है, वो भी डाल देते हैं। और कुछ तोते वगैरह भी खुले हैं मास्टर के जी के अंदर, तो उन्हें भी पकड़ के बंद करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी ये देखें, यहाँ कबूतर है, ये भी भूखा हुआ है, इसको भी हम दाना डालते हैं। इसका दाना आ चुका है, बट इसको खोल के फिर ना बाल्टियों के अंदर डालूँगा दाना, फिर इसको मैं डालता हूँ। जब तक हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वो देखें आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये सामने येलो कलर का तोता बैठा हुआ है, ये देखें, एक इधर येलो कलर का तोता बैठा हुआ है। बाकी और इसके अलावा कुछ तोते भी खुले हैं, वो देखें, एक ये सामने बैठा हुआ है ब्लू कलर का तोता। और इसके अलावा भी कुछ तोता, एक का तोता मैंने देखा था यहाँ खुला हुआ था। अच्छा, एक ये बैठा हुआ तोता, ये वाला जो तोता है ना, ये रोज़ाना बाहर निकल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा देखे सुस्त हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल कल से बाहर निकला हुआ है। इसके बाद दाना पानी नहीं होगा ना यहाँ बाहर, और इसको ना हमने देखना है कि निकल भी कहाँ से रहे और इसको बंद भी करना है। तो अभी अंदर चलते हैं और मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो हमारा केज है ना, यहाँ पे जो सामने पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको मैं दिखाऊँ, चींटियाँ वगैरह आ गई हैं, ये देखें। तो अब यहाँ पे जो है, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है कि चींटियाँ आई हैं, क्योंकि यहाँ नीचे वाले केज में ना तोतों के बच्चे निकले हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले तो शीट को ऐसे निकाल देते हैं बाहर, और इनकी ट्रे में भी देखता हूँ चींटियाँ हैं कि खाली जो उसमें है, शीट पे ही हैं खाली। अगर इनकी ट्रे में भी हैं तो फिर तो मसला होगा, मगर ट्रे में दिख तो नहीं रही वैसे, खाली शीट पे ही थी। और यहाँ पे इधर भी कहीं देख लेता हूँ, इधर वैसे कहीं दिख तो नहीं रही इनकी मच्छी वगैरह के पास, क्योंकि सारी मच्छी में ना फिशर्स जो थे उन्होंने, इनका मैंने मटकी हटाई नहीं थी, इन्होंने ब्रीड की है हमारे पास, सही है। और बाकी इनके दाना जो था इसमें भी नहीं है कोई। अच्छा, बाकी जो है मैं इनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ये देखें। अच्छा, ये मैंने पेयर तोड़ने के लिए ना अलग किया हुआ था, और ये पूरा पेयर ही बाहर निकला हुआ है, जो मैं चाह रहा था कि आपस में ना मिले, इसका पहले वाला मैं मिले। अच्छा, मैं इनको पकड़ता हूँ, फिर आपको ना करीब से भी एक बार दिखाता हूँ। तो ये देखें, एक मैंने पकड़ लिया है, और इसको जो है मैं भी इस वाले में छोड़ देता हूँ, ये देखें इनके अंदर। अब औरों को भी पकड़ता हूँ। दोस्तों, मैंने सारे दोस्तों को जो भी खुले पकड़ के बंद कर दिया। फिर देखें, मैं पकड़ा था ना, ये कल से खुली है, तो देखें अभी ये फीमेल ये दाना खा रही है, ये बेचारी पता नहीं कल से मैं खाली खुली है, और ये भूखी थी कल जो है। मैं खाले जब मैं शाम में आया दाना डाल दिया, तब तो नहीं खुली थी, उसके बाद शायद निकली होगी, तब से अभी ये भूखी थी। और बाकी जो हमारे ये जो है नीचे बर्ड घूम रहे हैं, इनको भी अभी खाना डाल देता हूँ। अच्छा, इनको पता नहीं क्या है, ये जो है ना दूसरा वाला फीड नहीं खाते, ये खाली वो खाते हैं, ये वाला जो फीड है ना, जो दूसरा तोतो वगैरह हुआ इसका सारा से दाना होता है इनको खाते। अब मैं इन कबूतरों को ना अंदर बुला देता हूँ, तो ये अंदर आके ये वाला दाना खाते हैं, इसलिए वेट कर रहे हैं कि मैं इनको अंदर बुलाऊँ और ये आके यहाँ दाना खाएँ। बट अभी यहाँ पर तोते खुले थे, इसलिए मैंने इनको नहीं बुला रहा था। ये देखिए, इनको साइड में कर देते हैं, इसे यहाँ पे खाते रहेंगे, ये देखिए सारे आ गए। अब हम इनको बुला लेते हैं अंदर। और अच्छा, पहले हम ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक कर लें, उसके बाद इनको बुलाते हैं, ऐसा ना हो ना कभी कोई बजरी वगैरह खुल जाए। फिर ये जो है कबूतर को, कबूतरों के लिए गेट खुला हो, वो बाहर निकल जाए। अच्छा, नीचे वालों ने तो मेरे ख्याल से नहीं की होगी बिल्कुल, ये तो घुस ही नहीं रहे अभी मटकियों में ना। ऊपर वाले जो इनकी देख लेना, एक आध फीमेल तो काफ़ी टाइम अंदर घुसी रहती है। तो यहाँ भाई, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, बाकी ये वाली मछली देखते हैं, इसमें फीमेल दे दिए हैं। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और इधर भी कुछ भी नहीं है।
अच्छा देखिए यहाँ नीचे जो है एक अंडा पड़ा हुआ है, वो जो अभी अंडे मैंने आपको दिखाए मुझे लग रहा है शायद वो ख़राब है, इनफर्टाइल है, और जो है वो इसी फीमेल ने फेंका होगा। यहाँ नीचे भी एक फेंका, तब तो ख़राब है अंडे फेंक रही हो नए दे, देखते हैं बाकी कुछ टाइम और, वरना फिर अगर अंडे बच्चे नहीं करते तो इनकी जगह हम लोग चेंज करते हैं। और अब हम जो है मैं यहाँ पे साइड पे बैठ जाता हूँ, और पहले मैं स्ट्रे को बाहर निकाल दूँ, उसमें भी चींटी है, ऐसा ना होना चूजों वगैरह के ऊपर चढ़ जाए। इसको थोड़ा मैं धूप में रख देता हूँ ताकि जो है इस पर चींटियाँ कर जाएँ। अच्छा देखें कबूतर तो आ गया अंदर फौरन, ये वाला भी आ जाएगा, ये देखें ये भी आ रहा है। तो ये जो है ना थोड़ा हवा में आ गया नकल से, ना देखें अपनी गर्दन टेढ़ी टेढ़ी रखता है, बाकी इनके बच्चे भी निकले हैं, वो भी फिर आपको इंशाल्लाह किसी दिन सारे कबूतरों की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।